कहते हैं कि प्यार सरहदे नहीं जानता, यही बात सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी कह सकते हैं। मगर जब इन दोनों का तालमेल होता है तो वही होता है जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से पबजी गेम में टकरा जाती है। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ वाया नेपाल भारत में एंट्री कर लेती है, जिसके सूचना मिलने पर पुलिस ने पहले सीमा को अरेस्ट किया, फिर बेल पर छोड़ दिया। मगर अब सवाल यह है कि सीमा का आगे क्या होगा, क्या उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वैसे एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को पुलिस ने जेल में डाल दिया है तो ये लव स्टोरी अब खत्म हो गई है, पर ऐसा हुआ नहीं। सीमा हैदर को अदालत ने जमानत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने सीमा हैदर को कहा कि जब तक केस चलेगा सीमा अपना घर नहीं बदलेगी और सचिन के साथ ही रहेगी, यानी इस प्रेम कहानी पर फिलहाल कोर्ट को भी कोई एतराज नहीं है। सीमा अपने प्यार सचिन के साथ अभी भी उसी घर में रह सकती है। वैसे सीमा अकेले भारत आई नहीं है, उनके साथ उनकी 4 बच्चे भी आए हैं जिनकी उम्र करीब 7 साल से कम है। वो नेपाल के रास्ते बिना वीजा के भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हो गई, जिसके बाद उन्हें अब गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सचिन पर भी आरोप लगे कि उसने अवैध प्रवासियों को शरण दी है। सचिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वैसे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमा की उम्र 30 साल कही जा रही है और सचिन की उम्र 22 साल। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। साल 2014 में वो अपनी शादी के बाद कराची में बस गई थी। पति से शादी के बाद बनी नहीं तो छोड़ने की नौबत तक आ गई थी। सीमा ने पति से दूरी बनाई तो साल 2019 में सचिन से दिल लग गया। दोनों के बीच में सरहद दीवार बनी तो सीमा ने उसे भी तोड़ दिया। वैसे सचिन के प्यार में सीमा अब हिंदू बन गई है। वैसे सीमा का साफ साफ कहना है कि वो मर जाना पसंद करेंगी लेकिन पाकिस्तान जाना नहीं। हालांकि सीमा और सचिन की इस लव स्टोरी से सीमा का पहला पति गुलाम हैदर अनजान था। उसे कानोकान खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी किसी हिंदुस्तानी शख्स के प्यार में है और देश छोड़कर वो अब हिंदुस्तान पहुंच गई है। मगर गुलाम हैदर जो सीमा हैदर के पति है वो सऊदी में कमाने गया था, नौकरी करने गया था। इस लव स्टोरी के बारे में जब उसे पता चला तो वो भी काफी हैरान था, क्योंकि ये लव स्टोरी उसे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया की जो खबरें चली उसके बाद उसे इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बीवी और उसके बच्चे तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। जिसके बाद सऊदी अरब से ही गुलाम हैदर ने एक वीडियो शेयर किया। गुलाम ने भारत सरकार से अपील की कि उसे उसकी पत्नी से मिलवा दिया जाए। गुलाम ने उस वीडियो में कहा कि उसे भारतीय मीडिया के जरिए पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे ग्रेटर नोएडा में है। गुलाम हैदर का उस वीडियो में कहना था कि कम से कम बच्चों को तो उसे सौंप दिया जाए, वो उनके साथ ही रह लेगा। सीमा इस पूरे मामले पर सीमा का कहना है कि वो बच्चे देने के लिए तैयार है लेकिन बच्चे तो उसके साथ जाएंगे ही नहीं। अपने पहले पति की वीडियो आने के बाद सीमा हैदर ने कहा कि वो गुलाम हैदर के पास वापस नहीं जाना चाहती है। इतना ही नहीं, सीमा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कड़े सख्त स्थानीय कानून है जिनकी वजह से उसकी जान पर खतरा मंडरा सकता है। हिंदुस्तान आने के बाद सचिन ने ही कमरा ढूंढा, हिंदी सिखाई और उसके बाद लेकिन जब पुलिस को पता चला कि एक पाकिस्तानी महिला ऐसे हिंदुस्तान में छुपकर रह रही है तो पुलिस उनको तलाशने में लग गई, जिसके बाद सचिन सीमा के बच्चों सीमा को लेकर हरियाणा के बल्लभगढ़ भाग गया था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों की कहानी सुनी और जमकर पूछताछ भी करी। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर दोनों को फिर गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह पर भी आरोप है कि उन्होंने अवैध प्रवासियों को शरण दी है, वो भी गिरफ्तार हुए थे। अब सचिन के पिता को भी जमानत मिल गई है। सचिन और सीमा की ये प्रेम कहानी पर अब कोर्ट ने भी तकरीबन एक तरीके से मोहर लगाएगा या नहीं, या फिर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये अगली सुनवाई तक पता चल ही जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल फिर भी वही है कि क्या सीमा आखिरकार सीमा का इस पूरे लव स्टोरी का होगा क्या। इस सवाल का ठीक ठीक जवाब तो अभी नहीं दिया जा सकता, पर इससे पहले इसी तरह का एक और मामला जो आया था उसे देखकर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। असल में इसी साल जनवरी में पाकिस्तान की एक और लड़की जिसका नाम इकरा था वो भारत आई थी। उसे ऑनलाइन गेम लूडो खेलते हुए भारत के मुलायम सिंह नाम के एक युवक से प्यार हो गया था, वो भी इसी तरह नेपाल के जरिए भारत आई थी। सीमा और इकरा में समानता ये है कि दोनों ने ही नेपाल में शादी की थी।
इकरा भी सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से बार बार गुहार लगाती रही कि उसे वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया और वो फरवरी 2023 में पाकिस्तान भेज दी गई। इस आधार पर अगर देखें तो क्या सीमा की किस्मत बहुत अच्छी होगी या इसी तर्ज पर तय हो सकती है कि उसे वापस डिपोर्ट कर दिया जाए उसके बच्चों के साथ। इतना ही नहीं, सीमा की कहानी में इतने झोल हैं कि फिलहाल उसका केस कमजोर ही लगता है। जैसे कि सीमा के पास से करीब 4 फोन बरामद हुए, तो पाकिस्तान वाला फोन क्यों टूटा, ये एक सवाल है जो एजेंसियां पूछ रही हैं। दूसरा मामला प्यार का था तो चैट डिलीट क्यों की गई। इसके अलावा कहीं से नहीं लगता कि पांचवी पास सीमा जो है वो पांचवी पास है। बहरहाल सीमा हैदर के केस में क्या क्या होगा ये जानने के लिए कानूनी प्रक्रिया के पूरा एक इंतजार करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। फिलहाल सीमा हैदर की कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लगता है सीमा का अंजाम भी इकरा जैसा होगा, उसे भी वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देश और दुनिया की क्राइम की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।